हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से अमृतसर कैसे पहुंच गई। सो बेसिकली एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप है एंड मेरा बहुत मन कर रहा था अमृतसर आने का। सो जस्ट दिल्ली से बस पकड़ी एंड हियर आई एम। एंड अमृतसर लाइक आने के लिए आई थिंक कोई रीज़न नहीं चाहिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी। मैं ऑल्दो यहाँ पहले भी आई हूँ बट आई थिंक ये मेरे चैनल पर अमृतसर की पहली वीडियो होगी। एंड या सो दो दिन हो मैं यहाँ पर, बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाली हूँ। मार्केट यहाँ का, लाइक वाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, बहुत कुछ चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ का खाना बहुत फेमस है। सो बहुत कुछ होगा। सो बहुत प्लान है। सो करते हैं इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। एंड पसंद आएगा तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कर रही हूँ, रूम के बाहर ही खड़ी हूँ। सो यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम आती है एक बजट और एक अच्छा स्टे फाइंड करने के लिए। यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर आल्सो, कितना प्यारा व्यू है। ये टेरेस है तो ये एक काइंड ऑफ अ गुड बजट प्रॉपर्टी, आई कैन से दैट। तो पहले मैं आपको रूम का टूर दे देती हूँ एंड स्टे से स्टे की इन्फॉर्मेशन शेयर करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अभी प्लान ये है कि मार्केट जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, खाना यहाँ का एक्सप्लोर करेंगे एंड गोल्डन टेम्पल जाने का प्लान है। मतलब अर्ली मॉर्निंग, आई मीन नेक्स्ट डे कुछ 2-3 बजे, मतलब रात को हम 2-3 बजे निकलेंगे गोल्डन टेम्पल विजिट करने के लिए। एंड 3-4 बजे के दर्शन आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज संडे को थोड़ा रश होता है, क्राउड ज़्यादा होता है। तो फिर अर्ली मॉर्निंग का प्लान है। तो अभी गोल्डन टेम्पल नहीं जा रहे, अभी हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे पियेंगे एंड उसके बाद आज हम वाघा बॉर्डर जाएंगे। एंड सो या अभी मैं आपको दिखाती हूँ रूम के मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ। सो वैसे तो रूम यूज़ कर चुकी हूँ बट आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा यहाँ पर थोड़ा सामान पड़ा है। आई जस्ट टुक अ शावर ऑल्सो, सो प्लीज़ डोंट माइंड। इधर वॉशरूम है एंड वैसे ये फैमिली स्वीट है। देयर इज़ वन मोर रूम ऑल्सो। सो एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड हेयर, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये फैमिली स्वीट का ऑप्शन चूज़ करा जो कि हमें पड़ा 2200 का। सबसे बड़ी बात, ये गोल्डन टेम्पल से जस्ट 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आई वुड से। एंड बजट में एक क्लीन प्रॉपर्टी ढूंढना ऐसी जगह पर एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। सो एक डबल शेयरिंग में रूम आपको यहाँ पर कुछ 1600 का मिल जाएगा। मैं एक बार ट्रिप से भी आप देख सकते हो, वहाँ से बुकिंग की थी मैंने भी, तो 1600 रुपीज़ में आपको डबल शेयरिंग रूम मिल जाएगा। एंड ये फैमिली स्वीट है तो इसके चार्जेस थोड़े ऊपर है। सो या दैट्स द पॉइंट। आपको मैंने एकोमोडेशन की डिटेल्स शेयर कर दी। मौसम अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है, ऑल दो अमृतसर में थ्रू आउट द ईयर यू कैन कम हेयर एंड एक्सप्लोर एंड गर्मी आपको मिलेगी ही। सर्दियों में थोड़ा मौसम बहुत अच्छा होता है। अभी मैं यहाँ पे सितंबर में ट्रैवल कर रही हूँ एंड अभी का सीज़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, रश वगैरह तो गोल्डन टेम्पल में आपको हमेशा ही मिलेगा। ओके सो अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, देखते हैं कहाँ जाते हैं, शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। मेनली यहाँ पर हम शॉपिंग के लिए भी आए हैं। और चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अमृतसर की फेमस मार्केट में। आराम से अमृतसर में वैसे घूमने का मज़ा इस रिक्शा पे ही है, सेम लाइक वाराणसी जब मैं गई थी लास्ट टाइम। छोटी छोटी यहाँ गलियाँ होती हैं सेम, तो आपको मस्त है यहाँ पर आके आप रिक्शा पे घूम लो। एंड वैसे यहाँ पे पता है एक्टिव भी रेंट पे ले सकते हैं। यस देयर इज अ ऑप्शन, वी कैन रेंट अ स्कूटी हियर। वही वो भी कर सकते हैं, देखते हैं अभी कैसे दिन जाता है। बट शॉपिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए एंड एनर्जी आएगी खाने से। एंड अमृतसर का खाना हम सबको पता है कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। सो मैं हूँ यहाँ एक फेमस यहाँ के ढाबे पे, ब्रह्मा द ढाबा, वन ऑफ माई फेवरेट हेयर इन अमृतसर, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कुलचा। सो राइट नाउ सिटिंग एट ब्रह्मा द ढाबा एंड गोल्डन में फील अलग है।
और यहाँ के कुलचे ऑफकोर्स बहुत फेमस है, वेराइटीज ऑफ कुलचा से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑल द प्रेफरेंस वॉज पहला राम पॉइंट वाला कुलचा, बट वहाँ पर इतना रश था, एक घंटे की वेटिंग थी, सो हैड टू कम हियर। और बट ये भी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। सो यहाँ पे अभी लंच नहीं कहूँगी, ब्रंच कह सकते हैं, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं। सो ब्रंच है हमारा ये, एंड इसके बाद होगी फिर फुल पावर शॉपिंग। सी एंड इट्स नॉट लाइक यहाँ पे सिर्फ आपको कुलचा मिलेगा, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, देख सकते हो। सो मैंने ऑर्डर करा है सबसे पहला स्पेशल तंदूरी कुलचा आलू वाला, एंड प्लस मेरी फ्रेंड ने किया है लस्सी, इट्स मीठी लस्सी, राइट? अमृतसरी आलू कुलचा साथ में ही है, प्याज और चटनी, प्याज हम और मंगाएंगे, लस्सी एंड अचार। खाते हैं इसको, फिनिश करते हैं। लेकिन माय फर्स्ट बाइट ऑफ अमृतसरी कुलचा, हैविंग इट आफ्टर सो लॉन्ग, मुझे याद भी नहीं है वैसे मैं कब आई थी लास्ट टाइम अमृतसर, तो हो गए काफ़ी साल हो गए। सो हियर इज आवर फर्स्ट बाइट, कितने का? बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि राम का कुलचा जो है वो 4 बजे बंद हो जाता है, आई विल ट्राई, खाए टेस्ट करें। आई डोंट वांट राम का कुलचा। सो अगर आपको अमृतसर में अच्छी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कटरा जैमल सिंह मार्केट, किसी भी ऑटो वाले या रिक्शा वाले को बोलना, वो आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, बिल्कुल वॉकिंग है अगेन फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। एंड यहाँ पर ख़रीदने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ की फुलकारीज, पाकिस्तानी अटायर्स, जूतीज एंड वट नॉट। सो लेट्स स्टार्ट इट। कितने का है ये? ये मैम 1250 का। ओके, और उसके बाद मुझे दे दें थोड़ा सा वर्क वाला। हाँ बिल्कुल, दे और पेस्टल भी दे दें इसके साथ। लो ये पेस्टल। मैम इसमें डिज़ाइन, इसमें मेरे पास कलर और डिज़ाइंस भी हैं अलग अलग, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं इसमें बहुत काम आएंगे आप, के साथ जो बोलोगे मैं मैचिंग दे दूंगा। सो यहाँ पे शॉपिंग तो बहुत हुई है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इनके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट ही स्टिच करवाना है अपना सूट, जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, कपड़ा ख़रीद रहे हो, तो ये आपको 2-3 घंटे में स्टिच करके भी दे देते हैं। एंड मैंने यहाँ पर भी अपने लिए एक फुलकारी और एक पंजाबी सूट बनवाया है, जो कि मैं कल पहनूंगी टेम्पल जाते हुए। What's your good name? Yeah, my name is Puneet and we are running a shop here named Khalchiyan Wale Di Hatti. We are like serving our people from 1957. Okay. This is a special store. Like we are famous for fulkaris, Pakistani suits, and you can get fabrics. You can get all type of men's pathanis. So I think people are shopping here, and you can see like Pakistani sets and everything we are showing here. Yeah. So, मैंने सुना है काफी बिग स्टार्स आते हैं आपके पास शॉपिंग करने। मैम हमारे लिए देखो सब एक जैसे हैं, बट की हॉलीवुड बॉलीवुड से जो भी अमृतसर आता है, हाँ। तो यहाँ पे जब सर्च करता है कि बेस्ट आर्टिकल्स क्या हैं और बेस्ट शॉप्स कौन सी हैं, तो फुलकारी अगर कुछ लेना हो या कुछ पंजाब का स्पेशल लेना हो जो पटियाला सूट, तो फिर हमारे शॉप का नेम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं लोग। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे आपके पास आर्टिकल्स से भी लव हियर, डेफिनेटली। और काफी टाइम हो गया हमें यहाँ पर। Now comes the best part guys, we are heading to Wagah border and मैं Wagah border कभी नहीं गई, first time देखूंगी, and the experience is like amazing in itself, we all know that, but एक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सर्विस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि Wagah border जाने के लिए आप यहाँ पर गवर्नमेंट की बस चलती है वो ले सकते हैं।
सकते हैं। वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप देखिए, स्पेशली फॉर सोलो ट्रैवलर्स। अगर आपको यहाँ से टैक्सी करके नहीं जानी, ऑटो करके नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आप यहाँ पर बस का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लुक एट दैट, एंड फिर हम चलते हैं बागापुर। ये है इनकी वेबसाइट, यहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते एसी में ना, एसी में चाहिए बैठना। सो मैं हूँ यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह स्टैचू के बिल्कुल पास में, एंड यहाँ से गाइस एक बस सर्विस है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये जो आप बस देख रहे हो ये डबल डेकर बस है, ये सीधा जाती है वाघा बॉर्डर, आपको यहाँ से लेके भी जाएगी एंड आपको यहाँ वापस ड्रॉप भी करेगी। एंड इसकी जो टिकट है वो है 350 रुपीज़, जो आपको मिलती है डिस्काउंट में। ऑन द स्पॉट टिकट ले सकते हो, एंड ये बस खड़ी है तो एग्जैक्ट 3 बजे यहाँ से डिपार्ट करेगी। एंड वाघा बॉर्डर इज 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन अमृतसर टाउन, एंड 45 मिनट ईजिली लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। 3-4 घंटे की बात है आराम से, बट ये वापस आपको यहाँ पर ड्रॉप भी कर देगी सेम जगह। सो ये 350 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, जो कि बेस्ट है। ऊपर पूरा ओपन है लेकिन नीचे एसी है, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अभी बस खुलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट इनका ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट ओवर द काउंटर भी टिकट मिल जाएगी। ये पूरा इनका काउंटर लगा हुआ है, लोग ले रहे हैं टिकट, तो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो या सबसे पहले नीचे का, ओके सो ये है एसी, यहाँ पे कर्टन्स भी है धूप से बचने के लिए, और खुली डुली बस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंजेस्टेड सीट है, खुली डुली है। और 2x2 का इसका पूरा वो है, आप यहाँ पे आराम से बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। देन ऊपर डबल डेकर, इसका अलग ही मज़ा है, इट इज़ एन ऑलवेज एक्साइटिंग पार्ट। देखो अब यहाँ से पूरा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बैठ जाए, हम एसी में बैठते हैं फिर। अटारी बॉर्डर एंड पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आई होप कोई एंट्री फीस नहीं है, लेट्स सी आगे जाके पता लगेगा। और जर्नी सिर्फ 40 मिनट्स की थी, बहुत आराम से पहुंच गए, बल्कि मैं सो भी गई थी थोड़ा सा और मज़ा आया। ओके सो अब चलते हैं। बाय द वे लुक एट द क्राउड, हेयर एक्चुअली वी गोट द VIP एंट्री बिकॉज हमारा कोई कनेक्शन था आर्मी में, एंड हेयर इट इज़ लाइक दैट कि अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे आर्मी में है, BSF में है, सो आपको VIP एंट्री मिल जाती है एंड यू विल गेट अ डेडिकेटेड सीट। अदरवाइज फिर हमें इतने ज़्यादा क्राउड में जब ऊपर देख रहे हो वहाँ बैठना पड़ता। सो हेयर वी वर थोड़ा सा लकी एंड वी हैड सम कनेक्शन एंड देर इज़ नो एंट्री फी। Hindustan, Zindabad, 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 Hindustan,
ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू वॉच दिस सेरेमनी एंड बहुत ही मज़ा आया एंड वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ज़रूर यहाँ पर आकर ये देखना चाहिए. एक अलग ही लेवल एनर्जी होती है एंड इंडिया वाली साइड तो ऑब्वियसली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी. मैं जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल विजिट करने के लिए एंड अमृतसर की मेन हाईलाइट है गोल्डन टेम्पल एंड मैं इसे विजिट कर रही हूँ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. अभी सुबह को 4 बज रहे हैं एंड संडे है आज. लेट्स सी कैसा वहाँ पे क्राउड होता है, कितने देर बाद दर्शन होंगे एंड बेसिकली आई शेयर द होल एक्सपीरियंस विद यू. गाइस 4 बजे की शॉप्स ओपन है, मतलब आप यहाँ पंजाबी जूती ले सकते हो, सूट ले सकते हो. वो गोल्डन टेम्पल कुछ 4 घंटे लगकर दर्शन करे एंड देन प्रसाद खाया, कड़ा प्रसाद एंड लंगर यहाँ का. यहाँ पे गाइस 24/7 लंगर चलता है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. कुछ दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे लंगर करते हैं एंड बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये. तो लंगर बहुत टेस्टी है ऑफकोर्स, तो मज़ा आ गया. गाइस हेयर यू कैन ऑल्सो विजिट यहाँ पर जलियांवाला बाग एंड पार्टीशन म्यूज़ियम. अगेन वॉकिंग डिस्टेंस पर है एंड बहुत ही मिनिमल टिकट है पार्टीशन म्यूज़ियम की, वो भी जस्ट 10 रुपीज़. यहाँ पर जलियांवाला बाग में तो कोई टिकट नहीं थी एंड देख सकते हो, हिस्ट्री जान सकते हो. वी ऑल नो द हिस्ट्री पार्टीशन का टाइम क्या हुआ था एंड यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से डिपिक किया गया है. सो डेफिनेटली अ मस्ट विजिट एंड यू कैन कम हियर. यू नो मैं रेस्ट करने आई थी रूम में टेम्पल से आने के बाद, जलियांवाला बाग से आने के बाद जस्ट रेस्ट करने आई थी जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ एंड लुक एट द वेदर, चेंज हो गया वेदर पूरा. इनफैक्ट आई थिंक बारिश भी आएगी, हल्की हल्की रेन हो रही है एंड अमेजिंग. क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप थी, पूरा यू नो पसीना पसीना हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर. सो नहीं घूमने मतलब मज़ा नहीं आता. सो अभी मौसम बहुत ठीक हो गया है एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट अगेन, सो एनर्जेटिक. मैं जा रही हूँ फिर से घूमने के लिए, अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. सो करते हैं स्टार्ट फिर से. अब कुछ टाइम हो रहा है, कुछ 12 बज रहे हैं. सो थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने और सिंस सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे. सो अच्छा लग रहा है अब और सो बेसिकली मुझे खाना था बढ़िया सा कुलचा. अब राम कुलचा वाले पे तो मैं लकी नहीं रही, मुझे आज भी नहीं मिला. तो मैं आ गई यहाँ पर कुलचा लैंड, जो कि अगेन वेरी फेमस है फॉर देयर कुलचास एंड यहाँ पे मैं बढ़िया सा कुलचा खाऊंगी वापस दिल्ली जाने से पहले. सो गाइस द कुलचा इज हियर एंड आई कैन से दैट इट्स ऑथेंटिक वन. इसके ऊपर इतना ज़्यादा बटर है ऊपर से, इसको ऐसे क्रश कर दो करके देते हैं वैसे तो, बट ये ऑथेंटिक है आई कैन से दैट. प्लस छोले भी एंड चटनी विद अनियंस. सो यस. So overall I had a great time here and it's a very perfectly a weekend trip we can say from the Delhi and 2 days are here more than sufficient to explore Amritsar. So I hope so that you enjoyed the video and aapke liye video helpful rahe and maza aaya to bas like karke jana. Milti hu aapse next video mein, till then take care, bye and very happy traveling.